देश में चुनावों की सरगर्मी के साथ ही पार्टियों का दलित प्रेम भी जाग उठा है। आज मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास मंदिर के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं और सबको इस बात का अच्छी तरह से ये एहसास हो चला है कि जिसके साथ दलित होंगे उसी के पास दिल्ली जाने का टिकट होगा। कि चार राज्यों में कुछ दिनों बाद चुनावी शंखनाद होने वाला है और इसके बाद 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए देश के सभी दल तैयारियों में जुट चुके हैं और चुनावी मौसम में देश के सभी दलों खासकर बीजेपी और कांग्रेस को दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की याद भी जोर शोर से आने लगी है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आदिवासी वोट बैंक के बाद अब दलित वर्ग को साधने की कवायद तेज कर चुकी है। यही वजह है कि दलित समुदाय के संत रविदास जी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद पीएम नरेंद्र मोदी एमपी के सागर पहुंचे। संत रविदास मंदिर के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने एमपी के साथ साथ देश के दलित समुदाय को बीजेपी की रणनीति के दायरे में लाने की कोशिश की। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज ने सागर के पास संत रविदास के सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 12 अगस्त को सागर में प्रतिष्ठित संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया। इस खास कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस खास मंच से देश में एक बार फिर अपने लौटने की भविष्यवाणी भी कर दी। मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। पीएम मोदी ने सागर की धरती से एक तरफ जात पात की राजनीति पर हमला भी किया तो बातों ही बातों में दलित समाज को साधने की बीजेपी की रणनीति को भी सामने रख दिया। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग, अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था, ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए मैं मेरे गरीब भाई बहन को
खाली पेट सोने नहीं दूंगा। संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर निर्माण के पीछे जहां धार्मिक आस्थाएं और जातिगत भावनाएं जुड़ी हैं, वहीं दलित समुदाय का वोट बैंक भी प्रदेश में एक बड़ी चुनावी कहानी बयां करता है। आपको बता दें कि दलित समुदाय मध्य प्रदेश के 230 सीटों में से ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड समेत विंध्य के तकरीबन 80 सीटों पर प्रभाव डालता है। एमपी में अनुसूचित जाति की आबादी 1,10,00,000 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोटर्स 60,00,000 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 16% दलित आबादी है। विधानसभा की 230 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई। एमपी में अब इन 35 दलित आरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी और 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री जब एमपी में चुनावी ऊर्जा को बढ़ाने पहुंचे तो उनके भाषण में भी दलित प्रेम और सेवा की झलक ही नजर आई। आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी एसटी ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं। एससी एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी एसटी समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में मौजूद दलितों को भी साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर भोपाल और समूचे देश में दलितों के उत्थान और योगदान का जिक्र करते हुए विपक्ष की राजनीति को नया चैलेंज दे दिया। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो के हालात हैं, जहां शिवराज सरकार एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का दावा कर रही है। वही कांग्रेस पिछले चुनावी नतीजों को फिर दोहराना चाहती है। यही वजह है कि सीएम शिवराज और पीएम मोदी का दलित प्रेम कांग्रेस को चुभने लगा है और कांग्रेस को बीजेपी का दलित प्रेम चुनावी टैक्टिक्स नजर आ रहा है। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी
संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है, पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। उत्तर प्रदेश की 47 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित, यादव और मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है, यानी 19% मुसलमान और 21% दलित अगर एक साथ आ जाएं तो वोट शेयर 40% हो जाता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और मायावती के इसी फॉर्मूले में साल 2014 में ही सेंधमारी कर चुकी है। 2014 के बाद से दलित मोदी के चेहरे पर ही वोट करता आ रहा है और अखिलेश यादव और मायावती इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि अगर मोदी को रोकना है तो पहले इन दलित वोटर्स को बीजेपी से दूर करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब कांशीराम ने इसकी शुरुआत की और मायावती को एक दो बार नहीं, दलित फॉर्मूले के चलते 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद समझ में आ चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी फायदे में रही और अखिलेश यादव नुकसान में। 2019 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली, इसके उलट बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली। यूपी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की चुनौती हर दल के सामने हमेशा एक जैसी रही है।